नमः संस्कृता सभी दोस्तों को मेरे तरफ से नमः संस्कृता। मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर मैं फिर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो, जान लीजिए ये नेट हो चाहे TGT हो PGT हो या टेट या और भी संस्कृत से जितने जुड़े हुए परीक्षाएं होती हैं ये पूछा जाता है। ये जो मैं आज का जो टॉपिक लिया हूँ, मैं तो ऐसा उसको नहीं ना कह सकता, लेकिन सच्चाई यही है कि जितने भी परीक्षा संस्कृत की जहाँ भी बात होती है, आज जो मैं नाटक जिस ग्रंथ का नाम लेने जा रहा हूँ, ये जान लीजिए इसका ये अमर कृति मानी जाती है। ये जहाँ ये बात ना हो वहाँ ये संस्कृत जानने की अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि जो ये महाकवि कालिदास जैसे विद्वान ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे रचना जब किया गया तो वाक्य में संस्कृत में ज्ञान नवाचार हो गया। आज वही क्रम है कि अभिज्ञान शाकुंतलम से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो पूछा जाता है परीक्षाओं में, मैं उसी को आज बताने के लिए आया हूँ। देखिए, सबसे पहला तो यही सवाल होता है कि अब जो महाकवि कालिदास जी हैं इनकी 7 रचनाएं होती हैं। आप लोग जानते हैं कि इनकी यही 2 सवाल पूछा जाता है कि कालिदास का प्रथम रचना कौन है और उनकी अंतिम रचना कौन सी, यही बहुत बार पूछा गया है। ये जो 2016 का जो TGT हुआ था उसमें यही सवाल आया था कि कालिदास की प्रथम रचनाएं कौन सी है। तो कालिदास की प्रथम रचनाएं जो होती हैं ना, वही कालिदास की प्रथम रचना जो मानी जाती है गीत काव्य जो ऋतु संहार, उनकी प्रथम रचना है। और उनकी अंतिम जो रचना है यही अभिज्ञान शाकुंतलम में जो TGT हो PGT हो नेट में गारंटी है कि इससे एक सवाल जरूर पूछा जाए, 1 से 2 या 3 4 हो जाएगा लेकिन जरूर पूछा जाएगा। चलिए आम प्रश्नोत्तरी की श्रेणी में चल रहे हैं। आप देखा जाए ये पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना, तो महाकवि कालिदास की रचना सभी लोग जानते हैं। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि कालिदास का ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये गीत काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है कि नाटक है। तो आप लोग जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है, इसमें कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। ये किसकी रचना है, महाकवि कालिदास की है। और ये कालिदास जो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का जो समय था लिखने का, वो इसका समय 150 ईसा पूर्व से 475 ईसा पूर्व माना गया है। इसमें ये भी पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का मुख्य रस क्या है, तो श्रृंगार रस है। और इसके नायक और नायिका कौन है, तो दुष्यंत हैं और उसकी नायिका जो है शाकुंतला है। अभी 2021 का जो TGT पेपर हुआ था उसमें एक सवाल आया था कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक दुष्यंत है वो कैसे किस श्रेणी का नायक है, तो उसका यही आंसर सही हुआ था, धीरोदात्त कोटि का नायक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी नाटक लिखने की परंपरा होती है इसका कोई ना कोई आधार होता है, तो महाकवि कालिदास जैसे विद्वान ने अभिज्ञान शाकुंतलम का आधार क्या माना गया है, इसके लिए आप लोग सभी लोग जानते हैं कि महाभारत का जो आदि पर्व आता है वहीं से लिया गया इसका आधार ग्रंथ है। फिर इसके बाद इसका जो नामकरण सबसे बहुत अभिज्ञान शाकुंतलम पूरे विश्व का सर्वोत्कृष्ट नाटकों में एक नाटक माना जाता है, कि ये अभिज्ञान शाकुंतलम रखने का प्रयोजन क्या था, क्योंकि आप लोग जानते हैं अभिज्ञान का मतलब होता ही है भूला हुआ ज्ञान। तो इसमें कहानी यही होती है कि जो महर्षि दुर्वासा आते हैं शाकुंतला को श्राप दे देते हैं, तो वही बताया जाता है कि जो राजा दुष्यंत के हिसाब जो दिया होगा कोई उसकी मुद्रिका होगी, देखने से याद आए इसी के नामकरण पर मुद्रिका चिन्ह के आधार पर अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम रखा गया है। फिर इसका ये पूछा जाता है कि बताए अभिज्ञान शाकुंतलम किस वृत्ति का प्रयोग किया गया है, इसमें ये वैदर्भी रीति है, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। ये जान लीजिए कि महाकवि कालिदास जो है वैदर्भी रीति के लिए ही जाने जाते हैं, और जैसे क्या बोलते हैं भवभूति हैं ये गौड़ी रीति के लिए माने जाते हैं, और बाण भट्ट हैं जो पांचाली रीति के लिए माने जाते हैं, लेकिन कालिदास जो हैं ये वैदर्भी रीति के लिए प्रसिद्ध, पूछा भी गया है सवाल। और इसमें ये होता है, इसमें कभी काल को सवाल ये भी बनता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रमुख पात्र बताइए, मिलान कराता है, 3 ऑप्शन गलत होगा, उसमें एक ऑप्शन जरूर पूछेगा कि बताइए अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र कौन सा है। तो सभी लोग जानते हैं कि दुष्यंत, शाकुंतला, कर्ण, विदूषक, जो इसका सबसे बहुत बार पूछा गया कि अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन था, तो आप जानते हैं कि माधव है।
माधव, मारीच, और उसके बाद प्रियंवदा, अनुसुईया, सानुमती, गौतमी, और उसके बाद सारंग, सारद, मार्तली, रैवत, भरत, रैवतक आदि तमाम इसमें पात्र हैं। यही अभिज्ञान शाकुंतलम से बहुत बार पूछा गया सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी कभी काल के पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की कुछ प्रमुख सूक्तियाँ ऐसे पांतुम, प्रथम, व्यवस्थिम, जलम, युष्मान, असुपितेशु, और उसके बाद एक कामी स्वयता पश्यति, यही अब देखें 2021 का जो एक प्रवक्ता का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यही लाइन पूछी गई, तो हूबहू यही लाइन आ गई थी। और कामी स्वयता पश्यति, और उसके बाद भवितव्या नाम द्वाराणी भवन्ति सर्वत्र, कि मही मधुरा नाम मंडनम नाकृति न प्रभा रत्नम ज्योतिष रेदी वसुधा लता, यही अभिज्ञान शाकुंतलम से जनरली सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद तो लास्ट में भरत वाक्य करके समाप्त कर दिया जाता है। मित्रों आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार संस्कृता।